अब 14 अगस्त आया तो सारा दिन आप गुनगुनाते रहते हैं पाकिस्तान मिली गीत, गुनगुनाते रहते हैं और वो फिजाएं जो हैं वो बदतर हो जाती हैं। इतने मिली गीत शायद किसी और मुल्क में तख्लीक नहीं हुए होंगे जितने पाकिस्तान में, तो ये भी हमारी हमारा नॉस्टैल्जिया है, हमारी यादों का हिस्सा है कि हम पीटीवी पर जो गीत लगा करते थे उसे हम सुनते थे और उसे गुनगुनाते हैं, और वो गीत इतने शानदार हैं कि किसी भी अच्छे फिल्मी गीत के मुकाबले पर ये मिली गीत रखे जा सकते हैं, यानी इतने फेमस हैं, इतने पसंदीदा हैं कि उन्हें मैं खुद घंटों बैठ के गुनगुनाता रहता हूँ पाकिस्तान की गीत। बहुत शुक्रिया खलीक, आपने मादर मिल्लत से जो है अपनी अकीदत का इजहार किया और बहुत अच्छा मेरी नगमा आपने हमारी समातों के नजर की है। आगे बढ़ते हैं, इन नौजवान हमारे हैं स्कॉलर अकदस हाशमी। हाशमी, आप मुझे ये बताएं कि आपने आप पढ़ाते भी हैं और पढ़ते भी हैं और गायकी आपकी जो है वो क्लासिकी मौसीकी से बहुत ज़्यादा मुतासर हैं आप, और आपका फनी इजहार जो है वो क्लासिकी मौसीकी से। आप बताएं इस अहम दिन के हवाले से 14 अगस्त आप कैसे मनाते थे और हमें कैसे मनानी चाहिए? गायकी आपकी जो है वो क्लासिकी मौसीकी से बहुत ज़्यादा मुतासर हैं आप, और आपका फनी इजहार जो है वो क्लासिकी मौसीकी से। आप बताएं इस अहम दिन के हवाले से 14 अगस्त आप कैसे मनाते थे और हमें कैसे मनानी चाहिए? सबसे पहले इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने इतना खूबसूरत नशस्त का इनकार किया इस तारीखी दिन के मौके पर। तो यूं तो हम बचपन से इस दिन की अहमियत और जो इसकी हुरमत है वो सुनते आ रहे हैं और उसका इजहार भी मुख्तलिफ सूरतों में देखते आ रहे हैं। टेलीविज़न की हद तक देखें तो मुख्तलिफ मुज़ाकरे और इस तरह के प्रोग्राम्स हम देखते आए, और समाजी सतह पर देखें तो हर एक का अपना एक अंदाज़ था इस दिन को मनाने का। बचपन में यही होता था कि बहुत खुश होते थे कि पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, और अपनी साइकिल पर झंडा लगाना और अपने जो मोहल्लेदार बच्चे होते थे उनसे मिलकर झंडियाँ लगाना। अच्छा, आज मैं आते वक्त मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि ये एक मेहनत अलग काम था, लेकिन मैंने वक्त के गुजरने के साथ साथ इस बात को महसूस किया कि हम किसी ना किसी तरीके से इजहार तो करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, लेकिन वो मेहनत वाला अंसर मुझे नज़र नहीं आता। अब शायद इसकी वजह ये भी हुई कि हम सनदी इनकलाब को जैसे जैसे फ़रोग हासिल होता गया तो हम भी फास्ट होते गए अपने जज्बात में, अपने इजहारियों में फास्ट होते गए, तेज़ होते गए, तो चीज़ें हमने शॉर्टकट के तौर पर ज़्यादा करने शुरू कर दी। अलामती तौर पर चीज़ों का इजहार तो हो जाता है, लेकिन आप किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हों, मेहनत कर रहे हों, तो इसका मतलब है आप उसको दिल से कर रहे होते हैं। सिर्फ शो ऑफ करने में या दिल से किसी चीज़ का इजहार करने में उसमें बड़ा फर्क होता है, वो चीज़ नज़र भी आ जाती है। तो मैं चूँकि मेरा बचपन से अल्लाह ताला ने मुझे अच्छी आवाज़ दी हुई थी, तो इब्तिदा में तो ये नात और नौहत तक की मैं था मेरा ये सफ़र, तो उसके बाद जैसे जैसे शोर के मनाजिल तय होते हैं तो मैं मुझे गायकी का शौक़ हुआ, और उसमें मतलब सूफियाना गायकी पंजाबी अरफाना जो क्लासिकी रवायत है शोरा, जो इंसानी शख्सियत है, इंसानी नफसियात है, इसके एक अहम बात यह है कि आपके अंदर कुदरत ने बचपन से जो स्किल्स छुपी हुई डाल दी हों तो उन वो भी आपके अंदर से तब बाहर निकलती हैं जब मारूज में आप उनका इजारिया देखते हैं। तो ऐसा ही था। अब जिस तरह अभी मैं आ रहा था तो मौसम बहुत खूबसूरत था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम का वो जो पंजाबी नगमा है वो मैडम की आवाज़ में, तो
वो इतना दिक्कत अमेज है और उसकी धुन भी ऐसे बनाई गई है कि हर पाकिस्तानी को, हर आम आदमी को वो हॉन्ट करता होगा, लेकिन बैसी गायक मुझे क्योंकि सुरों से सुर टच हो जाते हैं, तार से तार मिलता है, तो वो फिर ज्यादा कैफियत एक तारी हो जाती है। तो मेरा तरीकाकार यही था कि कोई अच्छा नगमा सुन लिया, अच्छा नगमा गा लिया, और चूंकि मेरा ताल्लुक ही शोभा मौसीकी से था तो मैं इस तरीके से फिर अब मनाता हूँ। और ज़्यादातर ताल्लुकात फनकार बरादरी से ही रहते हैं, तो वो इस व्हाट्सएप का दौर चल रहा है और ग्रुप्स में ऐड होते हैं लोग आपस में, तो इसी तरह ही फनकार लोग कोई ना कोई पसंदीदा नगमा पेश करके मनाते हैं ये दिन। गोया कि आपने अपनी कंट्रीब्यूशन की किसी न किसी हवाले से, लोगों की कंट्रीब्यूशन रही है, पाकिस्तान को दिया, मिली नगमे दिए लोगों ने, लोगों ने अच्छी शायरी दी, लोगों ने अच्छा नाम दिया, आप जो है मौसीकी के हवाले से अपनी कंट्रीब्यूशन करें, नौजवान नस्ल जो है हमारी उसके लिए क्या पैगाम है, क्या कैसे मनाना चाहिए? आपको तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, अल्लाह ताला ने आपको, कुदरत ने आपको एक अच्छी आवाज़ दे दी, एक टैलेंट दे दिया, तो आप क्या समझते हैं कि ये जिम्मेदाराना दौर है, उसमें आम आदमी को कैसे जो है मनाना चाहिए अपना ये डे? जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल्स, कोई ना कोई काबिलियतें छुपी हुई हैं, उनका इजहार बाहर से ही आप जब लेते हैं तो वो अंदर से वो चीज बाहर आपके निकल आती है। तो हर शख्स को खुद को पहचानने की जरूरत है, खुद शनासी का अमल से हर शख्स को गुजरना चाहिए, तो तभी उसको अपनी काबिलियतों का, अपनी स्किल्स का इल्म होगा और वो उस वे में कंट्रीब्यूशन कर सकेगा। जिस तरह समाज में मुख्तलिफ शोबे हैं, मुख्तलिफ पेशे हैं, कुछ लोग फनून लतीफ़ा से बिलोंग करते हैं, कुछ तदरीस दरस तदरीस से, कुछ टेक्नोलॉजी के शोबे, टेक्नोलॉजी सेक्टर में होते हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, तो हर हर शोबे में कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो लेकिन खुद को पहचानने की जरूरत है बजाय किसी को फॉलो करने के, या बजाय एक जो मुरवज कोई, जिस तरह आजकल हम देखते हैं कि अगर गाड़ियों पर वो झंडा लगा रहे हैं तो हम भी लगाने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये तो एक मरूसी इशारिया हो गया कि आज योम जश्न आज़ादी है और हम झंडे लहरा के उसका इजहार कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो काबिलियतें थी उनसे हमने समुल को क्या दिया, मेरे ख्याल में ये बात में डूब कर बिल्कुल इकबाल रहमतुल्लाह ने यही बात की थी। और आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि हमें हर साल जब ये रिन्यूअल आता है, हर साल जब ये अहद हमें करना पड़ता है, और हमें उसके साथ ये सोचना चाहिए, हम सब मादरे मिलत से प्यार मोहब्बत तो करते हैं, वो जज्बा तो हमारे खून खून में के एक कतरे में है, लेकिन हम एक स्टेप आगे कैसे जा रहे हैं अमली हवाले से। नाज़रीन, हमारे साथ फरखंदा शमीम साहिबा तशरीफ रखती हैं, शायरा हैं, अफसाना निगारी, उनकी सब हल्की हमारे अदबी हल्कों में सब नुमाया हैं, उसके अलावा पाकिस्तान टेलीविजन में वो प्रोड्यूसर रही, सहाफत कालम वगैरह भी लिखती रही हैं, वो हमारे प्रोग्राम में मधु हैं, उनसे बात करते हैं कि बहसीत शायरा, एक शायरा जो है वो 14 अगस्त का दिन जो है वो कैसे मनाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ कुरैशी साहब, सबसे पहले तो आप समेत तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक, और अल्लाह ताला ऐसे बहुत सारे दिन साल हमें नसीब फरमाए कि हम हर रोज़ सेलिब्रेट कर सकें अपनी आज़ादी के दिनों को। सेलिब्रेट सिर्फ गा बजा कर नहीं करेंगे, हमें उसके लिए अपने अंदर की सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए वतन और माशरे के लिए दीगर इकदाम भी करने हैं, क्योंकि हर शोबे की अपनी अहमियत है। आपने मुझे कहा कि मैं बतौर तदीबा कैसे देखती हूँ, देखिए अफसाना मेरा बुनियादी मौजू है, अफसाना फील्ड ही मेरा अफसाना है और उसके बाद शायरी है, लेकिन अफसाने पर मैं तुमसे बात करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पाकिस्तान की, यानी तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान की तश्कील और क़याम तक के हवाले से और अब मौजूदा चैलेंजेस तक को लेकर ख्वातीन ने बहुत लिखा है, बहुत लिखा है। हम जब देखते हैं कि अफसाने की बात अगर हम पहले करें तो हमारे सामने
क्लासिकल नामों में असमा चुगताई हैं, हमारे सामने वायदा तबस्सुम है, अमृता प्रीतम है, और मौजूदा अगर हवाला देखें तो उसमें जो दरपेश चैलेंजेस हैं, अब जो आज़ादी के लिए ख़तरा है, वो चैलेंजेस जो उस आज़ादी के लिए ख़तरा है जिसके लिए बेशुमार कोशिशें हुई, उसमें हम देखते हैं कि ख़वातीन लिखारियों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। फहमीदा रियाज हैं, किश्वर नाहिद हैं, इन्होंने इनकलाबी चीज़ें लिखी हैं, ज़हरा निगार हैं और नूरुल हुदा शाह हैं, इन्होंने इन लोगों ने अपनी तहरीरों के जरिए, अशार के जरिए, नज़मों के जरिए और ड्रामों के जरिए जो है वो यही मैसेजेस दिए हैं कि हमें हकाइक का सामना करना है, और हमें हकाइक का सामना करते हुए सिर्फ शोर नहीं मचाना है, हकाइक का सामना चैलेंजेस को देखते हुए उनके लिए हल तजावीज, उनकी तदाबीर, हमारा जहन क्या कैसे निकालता है मसाइल के हल को एक राइटर का, उस तमाम का तस्करा अपने तहरीरों में किया। और जब हम दिन की बात आपने भी फरमाई कि कैसे मनाते हैं, तो तख्लीककार कोई एक दिन नहीं मनाता, तख्लीककार हर दिन मना लेता है, हर लम्हा मनाता है, उसको हर लम्हा यही लगता है कि ये दिन उसकी जिम्मेदारी में इजाफा कर रहा है, उसकी तख्लीकी उपज को बढ़ाने के लिए आया है। ये नहीं है कि अगर 14 अगस्त आई है तो हम में से किसी ने कुछ लिख लिया और पिछले सितंबर को लिख लिया, तख्लीककार यहाँ माशाल्लाह बैठे हैं, ये एक रोह है, ये रवानी है, वफूर है जो चलता चला जाता है और किसी वक्त भी आ जाता है, कभी ऐसे मौसमों में भी आ जाता है जब बाहर नहीं होती, लेकिन वो बाहर की बातें कर रहा होता है। तो ये तख्लीककार का जरा थोड़ा सा उसका वो उसकी ट्रैक जो है वो डी ट्रैक होता है, अगर वो डी ट्रैक ना हो तो लिख नहीं सकता, तख्लीक नहीं कर सकता। आम आदमी ट्रैक पे चलता है, लेकिन हटा हुआ आदमी जो करना चाह रहा है वो डी ट्रैक पे चलता है। अब डी ट्रैक से मेरी मुराद कोई मनफीपन नहीं है, डी ट्रैक से मेरी मुराद नया काम कर लेना, कोई नुदरत ख्याल देना, कोई नुदरत फिक्र देना, नुदरत अमल देना। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे उस अरसे में जब हम लोग छोटे थे, तालिब इल्म थे, तो 14 अगस्त के ये दिन जब आते थे ना इम्तियाज साहब, तो हमारी वालदा और वालिद हमें वो किस्से जरूर बताया करते थे कि जिसके बाद हमें ये सब नेमत मिली है, और वो अपने मुतालों पर या अपने तजर्बों पर, उन्होंने तो मुशाहदे भी किए थे, वो बताया करते थे कि आपका ये जो जिसमें आप लोग इतना उछल कूद रहे हैं ना, जिस चमनिस्तान में ये इस तरह बना था, तो हमें वो वाकयात और हिकायात याद कराई जाती थी बाकायदा। और वालदा साहिबा जो है वो बताया करती थी बड़े दुख के साथ एक चीज़ कि हमारे से पहले की औरतों ने या हमारी हम उम्र औरतों ने पाकिस्तान के कयाम की प्रोसेस के दौरान झंडे सिए और सी कर उनको इमारतों पर जाकर औरतों ने लगाया। ज़ाहिर है तो फातिमा नाम की खातून जो है पब्लिक सेक्रेटेरिएट पर पहला झंडा जिसमें उन्हें मार दिया गया था, शहीद कर दिया गया, तो उन वो कहा करती थी कि उन्होंने इस झंडे सी कर लगाए। आज की खवातीन अपने बच्चों को झंडे और झंडियाँ तो दे देती हैं, मगर उस वक्त नहीं देख रही होती जब वो बेहुरमती कर रहे होते। ये हमारी वालदा ने हमें शिद्दत से बताया। फिर उसके अलावा तोहफा हमें मिलता था 14 अगस्त के दिन एक किताब का खरीद के लाती थी, वालदैन लाते थे कि आपके लिए इससे बेहतर तोहफा कोई नहीं, किताब पढ़ा करो, मुताला किया करो, किताब पढ़ने से जहन खुलेगा, मालूमात हासिल होगी, कुछ खुद भी करने के काबिल हो सकोगे, मोटिवेशन आएगी ना, तो खुद भी करने के काबिल हो सकोगे। तो हमारा तो बतौर फिर जो कि आपने अदब की बात की, तो उस सब छोटे छोटे होते हुए मेरे वालिद साहब बंदारी तौर पर शायर थे और वो रेडियो पाकिस्तान के बहुत नुमाया शोरा में थे उस वक्त भी, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, परफॉर्मिंग आर्ट करते थे, वो स्टेज पर बहुत अच्छा प्ले करते थे। बुनियादी तौर पर तो वो पाकिस्तान रेलवे के सीनियर ऑफिशल्स थे, लेकिन उनके अंदर जो फनकार था वो कुछ ना कुछ करता ही रहता था, तो वो नज़में लिखते थे जब पर मुझसे पढ़वाते थे कि इसको पढ़ो, साइटेशन करो, कैसे पढ़ती हो, पढ़ोगी सही पढ़ोगी। तो हमें तहरीक घर से मिलती। तो मैं ये समझती हूँ कि आप चाहे अदीब हैं या नहीं हैं, आप चाहे साइंसदान हैं या नहीं हैं, आप चाहे कुछ भी नहीं हैं, लेकिन अगर जब आप शहरी हैं और अहले वतन हैं तो आपको घर की ट्रेनिंग जो है हर हाल में मिलनी चाहिए। बड़े होकर आपने क्या बनना है ये नहीं मालूम, लेकिन वालदेन को ये करना चाहिए कि वो छोटी छोटी कोपड़ों को अपनी ईमानदारी के साथ सींचते रहे। क्या बात है, अच्छा कहा। तो ये हमें हमारे साथ होता था। और फिर अदब की जब बात हम आगे करने लगते हैं तो मैं समझती हूँ कि एक और ज़रूरी बात कि तहरीरें जब हम लिखते हैं, चाहे अफसाना निगार की हैसियत में, शायर की हैसियत में,
किसी भी हैसियत में जब आप तख्लीक करते हैं, एक एक मुजस्मा साज की हैसियत में, किसी पेंटर की हैसियत में, किसी फोटोग्राफर की हैसियत में, किसी प्रोड्यूसर की हैसियत में, किसी डायरेक्टर की हैसियत में, किसी डॉक्यूमेंट्री मेकर की हैसियत में, किसी भी हैसियत में, जब मीडिया में है, आपके लिटरेचर में है या आप समाज में हैं, सिंपल, तब भी ये चीज़ हमेशा जहन में रहती है।